गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। बैक टू अलमाटी, बैक टू द सेम एनर्जी। गेट जाम हो गया है बर्फ से, पूरा आगे ही नहीं आ रहा, खुला ही पड़ा है। यहाँ पे भी वो गाना बजना चाहिए, गाड़ी वाला या। उठना तो थोड़ा जल्दी था मेरे, मैंने बहुत सारे अलार्म लगाए थे बट हो नहीं पाया। वो 10 बजे उठा मैं, 10 बजे उठ के अभी 12:30 हो रहे हैं, अब निकल रहा हूँ। सारा काम समेटा, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और बैग वैग सारा सामान। अब मैं जा रहा हूँ वैसे तो लाइब्रेरी, होपफुली खुली हो। अपलोड नहीं कर पाया बहुत दिनों से, मतलब पूरा हफ्ते का गैप आ गया बीच में। उस हफ्ते के गैप में ना ऐसा लगता है कि मतलब जितनी मेहनत थी ना पिछले 4 महीने की, लगता है वो फिर से रीस्टार्ट करनी पड़ रही है। जैसे चैनल डेड हो जाता है बिल्कुल। बीच में थोड़ा पुश भी हुआ था अपने आप, बट वो बात नहीं आती, बट ये चीजें होती रहेंगी। अपने को रुकना नहीं है, एट द एंड जो मैटर करेगा वो है कि आपने इन वर्स्ट सिचुएशन भी अपना काम किया। तो मैंने रिकॉर्ड तो किया है, अपलोड नहीं किया है, अब मैं उसको बस एडिट करके अपलोड करने की देरी है। एक दिन में 2 व्लॉग भी डाल दूंगा मैं किसी दिन। तो जैसा भी है, शुरू करते हैं। फिर से वही लाइफ, फिर से वही सिटी, फिर से वही फिर वैसे ही व्लॉग्स अलमाटी के बर्फ वाले। ये देखो ढेर लगे पड़े, 2 ही दिन रह गए, 24 है। और ये व्लॉग तो काफी लेट आ रहा होगा, ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी डालने का। 26 तारीख को फिर से स्नोफॉल दिखा रहा है। अभी मेनली मेरे को लाइब्रेरी इसलिए जाना पड़ रहा है, एक तो पढ़ाई भी रीस्टार्ट करनी है। घर पे वाईफाई भी बंद हो गया, मतलब पहले ऐसा था कि मैं मतलब मैक्सिमम व्लॉग्स मेरे घर वाले वाईफाई से अपलोड करता था, और वो वाईफाई एक्चुअली ओनर का था, हमारा नहीं था। अब ओनर ने भी बंद कर दिया है और अब मुझे रोज लाइब्रेरी जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो भगवान भी कह रहा है बेटा अपनी तशरीफ उठाओ और लाइब्रेरी जाओ, काम भी करो पढ़ाई भी करो। बेचारे मेरे नए शूज़ को भी इसी अग्नि परीक्षा तो नहीं बोलूँगा, स्नोफॉल परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। पिछले साल भी मैं अच्छे खासे स्केचर्स के लेके आया था, ऐसे मतलब ड्यूरेबल होते हैं स्केचर्स के, ये स्नोफॉल में नहीं चल पाते। स्नो में एक्चुअली कोई भी स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा टाइम नहीं चलता, वो कटफट जाता है कहीं ना कहीं से ठंडा होके। मैं पहन के तो आ गया हूँ ये वाले, क्योंकि कम्फर्टेबल बहुत है, नहीं तो इनकी भी थोड़े टाइम में दुर्दशा हो जाएगी। कबूतर टैन हुआ पड़ा, सनस्क्रीन नहीं लगाता ना ये, मेरे को भी लगानी पड़ेगी, नहीं तो मैं ऐसा ही हो जाऊंगा। बड़े दिनों के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, धूप भी आई हुई है आज तो, पूरी स्नो के ऊपर मेल्ट हो रही है पूरी। फाइनली लाइब्रेरी के दर्शन हुए, पिछली 2 बार तो याद है मेरे को कैसे आया था मैं रात को, और दोनों बार बंद थी। सी फूड खा रहे हो? हम सही आ रही है, मालदीव्स घूम रहे हैं देखो, हम यहाँ पे मरा रहे हैं अपनी। यहाँ पे ये टेंशन है कि नेट नहीं चल रहा है भाई, मेरे को आए ना 2 घंटे हो गए लगभग, ये मेरे दुखड़े ही नहीं खत्म होते। एक तो ये अपने रोते रहता हूँ अपनी किस्मत पे, मैं आया यहाँ पे कि मेरा व्लॉग अपलोड हो जाएगा, क्योंकि 4 GB का था वो, 2 डम शेरेट्स वाला था, तो मैंने वो कहा था कि मैं अलग से डालूंगा। पहले तो वो कल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, इतनी मुश्किल से वो एक्सपोर्ट हुआ है, 5-6 बार मैंने किया है। आईपैड की बैटरी 100 से 20% 4 बार आई होगी, इतना उसने लोड लिया कर, पता नहीं क्यों, हैवी फाइल थी ना। अब ये अपलोड नहीं हो रहा, इतना घटिया वाईफाई चल रहा है ना अभी लाइब्रेरी में, नहीं तो 4-5 मिनट का काम होता है 4 GB की फाइल अपलोड होना। यहाँ पे सही आती है वैसे तो स्पीड, आज लोग काफी आए हुए हैं तो मे बी वो
डिवाइसेस ज्यादा कनेक्टेड होंगे तो उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि मेरा बस कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गया है। अब वो ऑफिस में जाके माथा मारना पड़ेगा उनके साथ कि भाई मेरा पुराना नंबर मेरे पास नहीं है और उसके बिना मैं पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता और मैं पासवर्ड भूल गया कि उसका पासवर्ड था क्या, क्योंकि कॉम्बिनेशन वाला होता है ना, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ था उसमें। अब वो हो नहीं रहा, 3-4 बार मैंने अटेम्प्ट मारा उसको और वो 3-4 बार गलत होते ही उसने ब्लॉक कर दिया। अब जाना पड़ेगा मेरे को ऑफिस। एक दिन मैंने डाला व्लॉग, अब अगले दिन फिर नहीं आएगा आज। अब मैं नहीं टाइम पे डाल पाया तो जाके कहीं ना कहीं तो अपलोड करना ही पड़ेगा, बहुत सारे काम इकट्ठे हुए पड़े। ये अच्छी चीज़ है कि क्लास नहीं है, नहीं क्लास होती ना रेगुलर तो भी तो काम हो जाता। मिनट आया था, कॉल आया था, ये मॉलडिव्स दिखा रहे हैं मेरे को, चिढ़ा रहे हैं घूमते हुए। नहीं हुआ भाई, काम नहीं हुआ। बैठे बैठे मैंने बहुत देर इंतजार कर लिया, कहीं स्पीड आ जाए सही, कहीं स्पीड आ जाए बस यहीं पे काम हो जाए। सिंपल तो हो ही नहीं सकती मेरी लाइफ, कभी नहीं हो सकती। कुछ खाऊंगा जाके और फिर निकलूंगा वापस। तो आई चेंज ऑफ प्लान, जब तक मेरा ये व्लॉग अपलोड होगा नहीं टाइम से, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे मैं कोई गैप नहीं आने दूंगा, तो नहीं आने दूंगा भाई। अब मेरे को घर नहीं जाना है, पहले घर पीछे बिल्कुल पीछे ही है मेरे। अब चेंज ऑफ प्लान, मैं जा रहा हूँ जिम, कहीं ना कहीं से तो कर ही दूंगा अपलोड में। अभी बज गए 4:15 हो गए, तो मतलब 6 बजे जाऊंगा, फिर अपलोड होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर मतलब नहीं रह जाता उस व्लॉग को डालने का। तो इससे बढ़िया अभी करते हैं काम, आके खा पी के। एग्जैक्ट 4 बजे, हाँ तो मैं गया हूँ, हो जाए बस काम फटाफट। भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त, 15-20 मिनट में दिखा रहा हो जाएगा। वो मैंने वहाँ बेंच पे रख दिया। बड़ा मुश्किल है भाई ये काम, सही में घर पे वाईफाई होता है ना, एक बड़ा ही अलग ही सुकून। मतलब घर पे जितने दिन मैंने काम किया, ये टेंशन ही होती कि अपलोड करने में टाइम लगेगा, ये घर वाले वाईफाई। अभी मैं घर मतलब इंडिया वाले घर की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में अपलोड, 6 मिनट में अपलोड मैक्सिमम। बस करता हूँ कुछ जुगाड़ नेक्स्ट मंथ से, करना ही पड़ेगा, मुझे ऑप्शन नहीं है मेरे पास कोई ऐसे। मैं अगले 5-6 महीने ऐसे तो नहीं निकाल सकता यहाँ पे इंटरनेट के लिए भागता हुआ। 5:30 हो गया मेरे को, अब जाके सारा काम निपटा है। तो भाई सुबह से लेके अभी तक 5:30 बजे तक इफेक्टिवली कोई चीज़ हुई है तो वो है वीडियो अपलोड। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइफ बहुत इजी है, तो ऐसा ही है बस। किस काम के लिए मैं कान तक के खा रहा हूँ, ये अलग दिक्कत है। तो थोड़ी देर जब मैं लाइब्रेरी में था ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेरा प्रोडक्टिव काम किया, उसके अलावा कुछ प्रोडक्टिव नहीं था पूरे दिन में। 15-20 मिनट में मैं घर पहुँचूंगा, 6 बज जाएंगे, 6 बजे जाके मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद आगे का कुछ काम सोचते हैं अब क्या करना है। सनसेट देखो भाई, उधर हो रहा सनसेट और वो हो रहा चांद। ऐसे घूमने में तो मज़ा आता है यहाँ पे, नो डाउट। पैदल चलने में, घूमने में सुंदर तो लगता है ऐसे। अब इस जगह से मन भी भर गया, पहले ऐसे लगता था लास्ट की चल ली है, चलो लॉन है अच्छा लग रहा है। अब तो कोई सारे रीजंस ही ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। आज तो खाली है यार, पीछे बास्केटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। हो रहे सही है, पूरा अंडर ब्रिज को पूरा कवर कर लिया है, इधर स्केटिंग रिंग स्केटिंग वाला बना लिया है, पीछे बास्केटबॉल। सब गलत ही शूज़ पहन के आ गया मैं, बहुत ही गलत, ज़्यादा ही गलत। अभी सुंदरता की बातें कर रहा था, देख ली अलमाटी की सुंदरता। वही मैं जो सुबह दिखा के गया था, सारे खंजर गिरे पड़े हैं देखो नीचे। यहाँ से जाने में डर लग रहा है, सारा नारे ऊपर ही फाइनल डेस्टिनेशन हो जाएगा मेरा।